My name is Kiran Rinia, and I'm the chairman of Tato 2 hydroelectric project, which are being undertaken by NIPCO company at Tato, Siyomi district. In my right side is Mr. Reken Ingo. He's our legal representative. And in my left side is Mr. Boken Heo. He's the vice chairman of the committee. तो आज यहाँ में हम लोग प्रेस ब्रीफ के लिए आने का एक ही ये है, ग्रीवियंसेस को लेके आया है, इज रिगार्डिंग लैंड कंपेंसेशन अमाउंट व्हिच हैव बीन रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेट प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इसमें शुरू से लेके टिल डिसबर्समेंट ऑफ द कंपेंसेशन अमाउंट, हम लोग का कंप्लेन ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितना साइनिंग फॉर्मेलिटीज़ है, फॉर एग्जांपल डीड ऑफ एक्सेप्टेंस और जो बिल अमाउंट है, जो ईच बेनिफिशरी के अगेंस्ट में जो अमाउंट ये बनाया है, टिल नाउ वी एज ए लैंड ओनर आर अननोन कि हम लोग का अगेंस्ट में एग्जैक्टली कितना अमाउंट इन पेपर्स में बनाया गया है। अभी तक हम लोग अकाउंट में तो क्रेडिट हो चुका है फ्रॉम डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ईच बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, लेकिन अभी तक इन पेपर वे आर स्टिल अननोन। तो इसको चलते हम लोग कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, ये डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी आपका डीसी होता है, बहुत बार ये अप्रोच किया है रिगार्डिंग डिटेल्स कि हम लोग का जो अमाउंट है, हम लोग का अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है वो कौन सा बेसिस में आया है, आप इसका मेरा लैंड का अगेंस्ट में, एरिया का अगेंस्ट में आप कैसे वैल्यूएशन किया है, जो अमाउंट आया उसका कैलकुलेशन क्या है, इसमें कौन सा एक्ट ये किया, ये एक्ट को लागू किया है, वेदर इट इज़ लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 और द लैंड हैव बीन एक्विजिशन इन लारा एक्ट 2013। तो ये क्वेश्चन को लेके हुए रन टू मैनी, जैसे गवर्नमेंट को भी बहुत बार अप्रोच किया है डीसी को, बट वहाँ से रिलक्टेंट है रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ लैंड कंपेंसेशन। और इसी को लेके हम लोग नेपको में भी ये सेम क्वेश्चन हम लोग रेज किया है, दे आर ऑल्सो टाइट लिप्ड, उन लोग ये बोलते हैं कि हम लोग कुछ भी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते रिगार्डिंग अमाउंट। तो इसीलिए आपका चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी अपील करना चाहता है, और जितना कंपिटेंट और कंसर्न अथॉरिटी है, लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टोरेट, लैंड मैनेजमेंट सेक्रेटरी, कि इसका ऊपर आप लोग इन्वेस्टिगेशन कराइए, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है जो तरीका से ये पूरा प्रोसेस को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ मतलब ये स्कैम का कुछ तरफ इशारा कर रहा है, सिंस अरुणाचल इज यू नो मतलब लैंड स्कैम, लैंड कंपनसेशन स्कैम बहुत पहले से इसका एग्जांपल भी है, इसलिए हम लोग ऐसे मतलब नहीं चाहते कि फर्दर भी ऐसे स्कैम ऐसे कुछ इनजस्टिस लैंड बेनिफिशरी के अगेंस्ट में हो। और मेरा जो अरुणाचल बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन से, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी ये इशू में आप लोग भी साथ दीजिए, थैंक यू। और फर्दर जो इसका आगे में मेरा वाइस प्रेसिडेंट वाइस चेयरमैन थोड़ा ब्रीफ कर देगा आप लोग को, हम थोड़ा स्टोरी में बताएगा ये चीज़ को, थोड़ा लंबा होगा पर भी आप थोड़ा सुन लीजिए। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट जो है 2009 में आया था थ्रू रिलायंस पावर कंपनी बोल के आया था, 2009 में प्रोजेक्ट आया है, रिलायंस ने एक्योर किया है। आफ्टर रिलायंस एक्योर करने का बाद में एमओयू साइन हुआ 2009 विथ स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश के साथ में, ऐसे गवर्नमेंट के साथ साइन करने के बाद में 2011 में इसका अवार्डिंग लेटर इशू किया, यानी कि अवार्डिंग लेटर यानी कि आपका वो कि आपका ये आदमी को इतना लैंड ओनर को ये पैसा मिलेगा और अवार्डिंग लेटर। आफ्टर 2011 रिलायंस पावर कंपनी जो है कोलैप्स हो गया, यानी कि अरुणाचल से आउट हो गया पावर डेवलपर जो। उसके बाद आफ्टर ए लॉन्ग गैप
12 साल का बाद में 2023 में 12 अगस्त को ये ईटानगर में आपका एमओयू साइन होता है बिटवीन आपका स्टेट गवर्नमेंट और ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन होता है। एमओयू में साइन होने के बाद में तो ये प्रोजेक्ट एलोकेट करता है 12 प्रोजेक्ट को, 12 प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में चलेगा, उसमें से 5 प्रोजेक्ट जो है सियोमी डिस्ट्रिक्ट में चलेगा। तो सियोमी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आपका है तातो वन प्रोजेक्ट और सेकेंड है तातो टू प्रोजेक्ट 700 मेगावाट, फिर मेइंग है, हिरोंग है, उसका रियो है। तो उसमें से अभी इनिशियल स्टेज में जो है तातो टू प्रोजेक्ट 700 मेगावाट का जो कंपेंसेशन रिसेंटली हो चुका है, ये तो कहानी उसी चीज़ को लेके है कि हम लोग के साथ में क्या हुआ है। आप लोग का प्रेस के माध्यम से हम लोग बताना चाह रहे हैं। तो शुरुआत डे आपका 19 सितंबर 2023 ये तातो डीसी ऑफिस में होता है कि पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि हम लोग को सर्कुलर देता है कि पब्लिक मीटिंग है, आप लोग आ जाइए रिगार्डिंग आपका नेपको को लेके। तो हम लोग सब पहुंचा वहाँ पे, पहुंचने का देखता है कि पब्लिक मीटिंग है, उसके बाद में आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका है नेपको का HOP, उसके बाद DC, DLRSO, उसके बाद लैंड ओनर एंड पब्लिक ऑफ दी तातो ना, तो वहाँ सब आया है। तो बात शुरू होता है कि आप लोग का जो पहले का प्रोजेक्ट जो था वो कोलेप्स हो गया ला, अभी उसका बदली में आपका नेपको कंपनी जो हम लोग का तातो टू प्रोजेक्ट 700 मेगावाट के लिए आया है, तो आप लोग इसको एज ए लैंड ओनर सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? तो हम लोग बोला है कि हाँ, हम डेफिनेटली एज ए लैंड ओनर हम लोग वेलकम करता है। हम लोग आज तक कभी भी डैम को अपोज नहीं किया है, प्रोटेस्ट नहीं किया है, डेवलपमेंट चीज़ को हम लोग वेलकम करता है। ऐसे बोल के बात चला है तो ठीक है। तो वहाँ में DC सर ने भी बोला कि ऐसा आप लोग का लैंड ओनर का सोच है तो बहुत अच्छा है, तो प्रोग्रेस जल्दी हो जाएगा। तो विद इन जनवरी को आप लोग का कॉन्फ्रेंसेशन भी हम लोग क्लियर कर देगा। तो HOP ऑफ दी नेपको भी बोला कि एश्योर किया है कि विद इन 2 मंथ के अंदर में आप लोग का कॉन्फ्रेंसेशन भी हम लोग डिस्बर्समेंट कर देगा। तो ऐसे होने का बाद में वो बीत गया एक हफ्ता, आफ्टर 1 वीक का बाद में वहाँ से थ्रू DC ऑफिस से हम लोग को मिलता है कि ये कागज इशू हो रहा है वहाँ से कि NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन कीजिए बोल के, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आई रिमाइंड यू फिर एक वन सेकेंड, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप साइन कीजिए बोल के हमको कागज दे रहा है। उसके बाद अगेन उसमें ये कॉन्सेंस बोल के वो पेपर है उसमें भी साइन करने दे रहा है विथ ब्लैंक, कुछ नहीं लिखा है वहाँ में, अपना नाम का जगह भी ब्लैंक रख दिया, टोटल अमाउंट को भी ब्लैंक रख दिया। वहाँ में लिखा है कि वॉट एवर DC जो बिल बनाएगा उसको हम एक्सेप्ट करता है बोल के हम लोग को ब्लैंक पेपर में साइन करने दिया। तो बस्ती वाला लोग तो सोच ऐसे है कि अरे एक एडमिनिस्ट्रेशन DC एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा आदमी बोल रहे हैं तो हम लोग को वेलफेयर के लिए बोल रहा होगा, बोल के हम लोग अभी तक सोचते आया है तो वो लोग जो बोलता है हम लोग मानते आया है। पर आफ्टर दैट जब तब मालूम चला कि हम लोग को ये चीज़ जो है इलीगल हो रहा है बोल के, तब मालूम चला कि जब इसमें डिटेली तब जाके देखा कि हम लोग का ये प्रोजेक्ट जो है वेरेस ये 1984 एक्ट में है या आपका लारा एक्ट 2013 में है, तो कॉम्प्लिकेशन हमको यहाँ में आ गया। तो DC सर को भी पूछा कि हम लोग का किस तरह पेमेंट किया जाएगा, आइडर लारा एक्ट करेगा ना 1894 एक्ट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि आप लोग जो सर्वे रिपोर्ट जो है 2009 का ले रहा है पर अभी हम लोग को डिसबर्समेंट कंपेंसेशन दे रहा है 2023 में, अब तरह 15 ईयर्स गैपिंग का बात में है, सोच के देखिए 15 ईयर्स गैपिंग का बात में दे रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन एराइज किया है ये अभी तो लारा एक्ट लागू हो गया इसमें क्या क्या इंप्लीमेंट आता है वो देगा कि नहीं देगा, तो ये क्वेश्चन एराइज करता है तो नो रेस्पॉन्स, बोल का तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग बहुत उनका साथ में आर्गू हुआ, क्या हुआ, बात हुआ अब तक। उसके बाद हम लोग RTI भी कई बार RTI दिया ऑफिस में भी, पर भी RTI में रिपोर्ट आता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग पास नहीं है, हम लोग फर्निश नहीं कर सकता है। उसका बन बोलता है कि ये आफ्टर डेट हियरिंग डेट देता है कि DLRSO नहीं है, एब्सेंस है, ये बोल के बहुत सा यहाँ वहाँ बुरा के ऐसे होते आ रहा है। इसलिए हम लोग अभी भी कन्फ्यूजन है कि कंपेंसेशन भी अमाउंट भी आपका वहाँ क्रेडिटेड हो गया पर अभी तक पता नहीं है एज ए लैंड ओनर कि हम लोग कौन सा बेसिस में दिया है। वेरेस ये आपका 1984 एक्ट है या आपका लारा एक्ट, ये लारा एक्ट 2013 में है, बिल्कुल अभी भी हम लोग पता नहीं, इनोसेंट हम लोग बिल्कुल पता नहीं है, पर सब कुछ हो गया, ब्लैंक पेपर में साइन करा दिया, अमाउंट भी डिसबर्समेंट हो गया। तो मेरा DC साहब से भी ये कई बार क्वेश्चन रहा कि ये चीज़ तो इलीगल है, तो उस कारण आज हम लोग को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है।
ऐसा ऐसा चीज बहुत है। उसके बाद एक दूसरा बात ये है कि वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि हम लोग लैंड ओनर ये चीज़ को अपोज था, पर भी डीसी सर लोग क्या क्या है, डीसी सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोलना चाहेगा, डीसी सर ने क्या क्या है कि हम लोग को एक कमिटी उद्घाटन किया है, वो लोग कमिटी मेंबर क्रिएट किया है, वो लोग अपना से क्रिएट किया है, कमिटी मेंबर क्रिएट किया है अपना से किया है, वो कमिटी मेंबर हम लोग का लैंड ओनर में से ही है, तो वो कमिटी मेंबर हम लोग का कुछ ना कुछ रिलेशन लगता है, तो वो लोग का इतना पॉलिटिक्स स्केल खेला है कि अपना में ही हम लोग को नेगोशिएशन करने की कोशिश किया कि आप लोग आगे मत बोलिए, ये चीज़ को जल्दी होने दीजिए, ब्लैंक साइन करने से भी आप लोग का अमाउंट जो है वो मिलेगा, उससे आपको डबल होके मिलेगा बोला है। तो बस्ती वाला का हम लोग थोड़ा मोड़ा जानता है, पर बस्ती वाला लोग तो मैक्सिमम लैंड ओनर हेड ऑफ द फैमिली जो है बुरा है, बुरी है, तो वो लोगों को तो पता नहीं ना, जो फैमिली कमिटी मेंबर जाके बोल दिया तो भरोसा हो गया, कमिटी मेंबर में से हम लोग का कोई ना कोई फैमिली रिलेशन है, तो ये चीज़ वो लोग ने किया। तो आज आप लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहेगा, जितना भी जनता है, जितना भी अरुणाचल का वो है वासी है, एक्चुअली हम लोग का सीयूएमई में बहुत ये हाइड्रो पावर ततो टू 700 मेगावाट हाइड्रो पावर को लेके बहुत इनजस्टिस हम लोग का साथ हो रहा है। हम लोग डिमांड नहीं कर रहा है, हम लोग को ये दीजिए वो दीजिए डिमांड नहीं कर रहे, हम लोग को राइट को फुलफिलमेंट कीजिए। इवन हम लोग को अवार्डिंग लेटर अभी तक नहीं दिया है, हम अवार्डिंग लेटर को हमेशा बोलता है कि आगे रख के बोलते हैं, अवार्डिंग लेटर दिखाइए कि मिस्टर एक्स आपके अकाउंट में इतना इतना रुपया आया है, इम्प्लीमेंट ये क्या है, लड़ाई में ये इम्प्लीमेंट आपको क्या है, प्रोविजन डाल के इम्प्लीमेंट किया है, बोलते अब हम लोग को दिखाइए, वो भी आज तक वहाँ से पब्लिश नहीं किया। तो आप खुद सोचिए कि ये हम लोग का साथ में क्या हो रहा है, आप जनता को डिसाइड कीजिए कि ये क्या कर रहा है वो। एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक हमने कहीं भी नहीं सुना ऐसे एक ब्लैंक पेपर में साइन करा के एक प्रोजेक्ट को ऐसे चलाएगा। जब नेपको अथॉरिटी HOP को पूछता है तो नेपको सीधा सीधी डिनाई करके बोलता है कि वी आर अंडर ये गवर्नमेंट, उसका अंडर में है, DA का अंडर में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंडर में, आप लोग को हम कुछ इशू नहीं कर सकेगा। इवन हम लोग ये आपका शिलोंग में भी हेड ऑफिस में भी आप RTA कापी दिया है, बट थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बोल के हम लोग को डिनाई कर देता है, कुछ नहीं देता है। तो आज न्यूज़ में आने का वही है कि हम लोग लीगली अपना ये मिस्टर रेकन इंगो के साथ में हम लोग लीगली ये कर रहा है साथ में, जनता को भी पता होना है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में COME डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन है, क्या कर रहा है इसको, स्पेशली ये प्रोजेक्ट को, और अपकमिंग प्रोजेक्ट 4 प्रोजेक्ट बचा है, तो अगर यही प्रोजेक्ट अगर सही नहीं होगा तो आने वाला कौन गारंटी देता है कि ये प्रोजेक्ट सही होगा। तो बहुत सा ऐसा चीज़ है जो आप लोग की तरफ से हम लोग ये अरुणाचल को सुनाना चाहता है, तो ऐसे ऐसे हम लोग ग्रीवेंसेस हैं स्पेशली ये प्रोजेक्ट को लेके, तो ऐसे डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहेगा, पर भी कोई कोई लैंड ओनर है जो 2011 में जो अमाउंट बना था जस्ट 1-2 लाख प्लस करके ही दिया है, जबकि वेरियस आपका लाराइक में 100% सोलिटियम 12% और 15% इंटरेस्ट आपका बोलता है। ये प्रोविजन के अंदर में हम लोग अगेंस्ट एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहा है, हम रिपीट कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हैं, जो है उसको हम लोग विद डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ दिखाइए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल आपको ये अप्रूव किया है, ये कंपेंसेशन देता है, तब हम लोग उसको सेटिस्फेक्शन होगा, ज़्यादा हो कम हो उससे लेना देना नहीं, हम लोग को जस्ट डॉक्यूमेंट्स प्रूफ चाहिए। ये डिमांड अभी कर रहा है और करते भी रहेगा, आगे भी पीछे नहीं छोड़ेगा, ऐसे उल्के से डिमांड करना ही पड़ेगा, फुलफिलमेंट करना ही पड़ेगा उसको। तो ऐसा है, तो बड़े दुख के साथ ये बताना चाह रहा है कि मतलब हम लोग एज ए लैंड ओनर हम लोग तो समझता है, तो जो नहीं समझता है अपना जमीन को रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जमीन जो पूर्वज हम लोग का दादा पर दादा लोग वो जमीन में बेचता था, वो जमीन अभी सबमर्स में जा रहा है, कहीं में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो अगर पेमेंट करता है तो वो उसका फैमिली मेंबर तो सिक्योर होना पड़ेगा ना। अभी फैमिली मेंबर को जो इतना अमाउंट मिल रहा है आई थिंक उससे ज़्यादा तो जिसका जमीन नहीं है उसको मिल रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो ये हम लोग साथ इनजस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग देखिए जिसका एक जमीन टुकड़ा नहीं है उसका इतना पैसा बन रहा है, जो जमीन एक्चुअल ओनर को आपका वो सेटिस्फेक्शन ही रुपये नहीं है, तो वो अभी जमीन वो देने के बाद में वो कहाँ बैठेगा। इवन RNR बोलता है, RNR का इम्प्लीमेंट भी रीसेटलमेंट का इम्प्लीमेंट भी अभी तक नहीं किया, बहुत सा क्वेश्चन है अंदर में, जस्ट इतना बोलने जाएगा तो ये आज का दिन पूरा लंबा चला जाएगा।
और आप लोग को हाईली लाइटली बता रहा है और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स आप लोग को दे दिया है, आप थोड़ा देखिए स्टडी कीजिए तो हो सकेगा। तो मीडिया पार्टनर लोग से भी रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग ये चीज़ को थोड़ा आगे इम्पोर्टेंस दीजिए हम लोग का तरफ से, क्योंकि आज तक सीओमी ऐसे जगह है कि अभी तक वहाँ में इवेंट लाइट भी नहीं है, नेटवर्क भी रिसेंटली जब इलेक्शन हुआ तब नेटवर्क आया, बहुत सा चीज़ है जो सीओमी अदर डिस्ट्रिक्ट से वो है पीछे है, बहुत पीछे है। तो आप कुछ सोचिए तो वहाँ का क्या होता होगा, मैक्सिमम ऑफिसर लोग वहाँ क्या करता होगा। तो ऐसा ऐसा चीज़ है, तो हम सोचता है कि इंडिपेंडेंटली हमको राइट बनता है कि मीडिया के सामने में बोलने का, हम किसी को किसी के खिलाफ पार्टिकुलरली बोल रहा नहीं है, किसी को तकलीफ देने के लिए बोल रहा नहीं है, जो हमारा जस्टिस है जो राइट है वो हमको चाहिए तो हम बोलेगा ही है। हम अपना लैंड ओनर 96 लैंड ओनर को अगर राइट दिला सकते हैं तो मेरा लिए बहुत बड़ा बात है, तो वो चीज़ को लेके आगे भी हम लोग करते रहेगा। थैंक यू। वट एवर आई सेल स्टेट सेल ऑन द बेस ऑफ रिकॉर्ड दैट आई दैट इज अवेलेबल विद मी नाउ, क्योंकि द डिमांड दैट हैज बीन पुट फॉरवर्डेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली एंड ओनली their rights. The duty of acquiring authority, of acquiring body, the first and foremost duty is to provide the final award and final bills that has been prepared against each of the beneficiaries. Unless they know the final bills, they cannot even go for appeal बिफोर द रेफरेंस अथॉरिटी, क्योंकि जो लैंड एक्वायर किया है उनका अगेंस्ट में इफ़ दे फील एग्रीव, अगर जो बेनिफिशरी जो एग्रीव फील करता है तो उनको एक प्रोविजन्स है लॉ में, उनको अपील करने का एक मौका देता है, वो तभी अपील कर पाएगा जब वो अपना लैंड का वैल्यू जानेगा, उनका लेंथ कितना एक्वायर किया है, उसका लेंथ का अगेंस्ट में कितना स्टैंडिंग क्रॉप्स है, कितना स्ट्रक्चर्स है, उसको देखने के बाद अगर उस रेट में उनको सेटिस्फाई नहीं हो तो उनको अपील करना करने का एक प्रोविजन है। तो अभी अपील करने का रिमेडीज लेस हो गया सिंस द फाइनल बिल फाइनल अवार्ड हैज़ नॉट बीन मेड अवेलेबल टू द 96 बेनिफिशरीज। तो अभी उनको लगता है कि उनका अगेंस्ट में उनका जितना भी उनका लेंथ का अगेंस्ट में बिल बना है वो जितना अभी क्रेडिट किया है उनका अकाउंट में उससे भी ज़्यादा बना है। हो सकता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ राइटली क्रेडिटेड द अमाउंट, अभी उसको भी एसर्टेन करने के लिए तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू प्रोवाइड द फाइनल अवार्ड, तो वो भी नहीं कर रहा है। और जब RTI करता है, RTI का थ्रू जब अप्रोच करता है तो उसमें एक लिखे देता है कि उसका जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो गायब हो गया। फिर ये भी लॉ इसमें भी वेरी क्लियर है कि आप ओरिजिनल सिंस यू डोंट हैव एनी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर स्कीम्स पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, हाउ इट इज पॉसिबल टू डिसबर्स द कंपेंसेशन अमाउंट। तो अभी इनका आरती रिप्लाई खुद है जहाँ पे लिखा हुआ है और आपको भी कॉपी प्रोवाइड किया हुआ है कि उस प्रोजेक्ट का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी एक क्वेश्चन ये है कि ऑन व्हाट बेसिस कौन सा डॉक्यूमेंट का आधार पे उन्होंने अभी कॉम्पेंसेशन अमाउंट डिसबर्स किया है, ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक साइड में बोलता है आरटीआई रिप्लाई में ये बोलता है कि देयर इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन मिसिंग हैज मिसप्लेस्ड from the office and again they are going ahead with the payment and disbursement of the compensation amount. ये बहुत contradictory point है, तो इसलिए ज़्यादा हम depth में नहीं जाएगा। apart from the legal rights, ये जो अभी project affected people है, जो project affected families है, जो claim कर रहा है वो उनका प्रोजेक्ट का अगेंस्ट में क्लेम नहीं कर रहा है। प्रोजेक्ट में बहुत सारा कानूनी प्रक्रिया होता है, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस
express or implied provisions are there, but not going into the merit of that provisions also, ये 96 families का against में ऊपर में बहुत सारा अन्याय किया जा रहा है. But I am not going into details on that aspect, क्योंकि इसमें 100% अभी भी कोई clear नहीं है. दावे के साथ कह सकता है कि इसमें 219.18 crores 5 फरवरी को मिला है गवर्नमेंट से. अभी 96 फैमिलीज में आप डिवाइड करके देखिए, 96 फैमिलीज में जितना पैसा आया है वो 219.18 crore इक्वली जा रहा है कि नहीं जा रहा है. टू एसर्टेन दैट उन्होंने आरटीआई मांगा है, अवार्ड फाइनल बिल को मांगा है, नहीं दे रहा है. तो मेरा जो आर्गुमेंट है इसी में कॉन्फाइन है. जब तक आप फाइनल बिल अवार्ड नहीं देता है तो अभी 96 फैमिलीज को कैसे पता चलेगा कि उनके अगेंस्ट में उनका ऊपर में कितना बिल बनाया. और वो डॉक्यूमेंट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन में नहीं आता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है. प्रूडेंट पर्सन, बाहर का कोई आदमी आके अगर उनका उस डॉक्यूमेंट को मांगने से दैट कैन बी ट्रीटेड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन. लेकिन यहां में तो जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज मांग रहा है मेरा अगेंस्ट में कितना बिल बना है हमको देखने दो बोल के मांग रहा है, वो नहीं दे रहा है. साइटिंग डेट ये इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 81 ऑफ आरटीआई एक्ट में बार करता है. ओके, लेकिन यहां में तो हम खुद मांग रहे हैं ना, प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली खुद मांग रहा है हमारा अगेंस्ट में कितना बिल बना है ये तो हमको देखने दो, बट वो भी नहीं कर रहा. सो ये बहुत सीरियस मैटर है. और इस प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिलीज का अगेंस्ट में जो भी चल रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है. इट इज़ अगेंस्ट द इस्टेब्लिश नॉर्म्स, अगेंस्ट द इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ राइट टू पेयर कॉम्पेंसेशन एक्ट 2013. तो 2013 एक्ट इट्सेल्फ सेज कि यहाँ में पेयर कॉम्पेंसेशन होना है. तो पेयर कॉम्पेंसेशन होना है बोलता है, लेकिन पेयर कॉम्पेंसेशन का बेसिस तो सबसे पहले आप ये बताना है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का अगेंस्ट में ये बिल बनाया और उसको प्रोविजंस ऑफ लॉ ये बोलता है कि उसको डीसी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड करना है. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट में तो अपलोड किया नहीं है. बहुत सारा प्रोविजंस ऑफ लॉ को भी वायलेट किया जा रहा है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग डिटेल्स इनटू दैट एस्पेक्ट, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ एक कंटेंट है, कंटेंशन सिंगल कंटेंशन है कि जितना बिल्स बनाए फाइनल अवार्ड फाइनल बिल बोलता है उसको, उसको 96 प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली को प्रोवाइड किया जाए. अदरवाइज वो सेक्शन 81 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 में अगर आप उसको बायर करता है तो देन दे हैव एवरी राइट टू सीक लीगल रिमेडीज टू गेट दैट डॉक्यूमेंट. तो विद दिस थैंक यू वेरी मच.